मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल खंडी रोड तालाब में एक मतीउल्लाह खान नाम के लड़के की डूबने की खबर सामने आई थी। कई घंटे चले सर्च के दौरान रात करीब 11 से 11:30 बजे के आसपास में मतीउल्लाह खान की डेड बॉडी तालाब से बाहर निकाली गई। आपको बता दें कि मतीउल्लाह खान, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी और ये दोस्ती के पास रहता था, आपको बता दें कि कल जो है मतीउल्लाह खान अपने दोस्तों के साथ खरडी तालाब पर गया था और नहाने के दौरान मतीउल्लाह खान गहरे पानी में चला गया, जिसकी वजह से ये डूब गया। इसके डूबने की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही दमकल विभाग और TDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि कई घंटे तक सर्च जो है इस तालाब में चलता रहा। मतीउल्लाह खान की डेड बॉडी रात करीब 11 से 11:30 बजे के आसपास में खरडी तालाब से बाहर निकाला गया। हालांकि शव को जो है ये शीलडायगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया था और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल भेज दिया है और इस पूरे मामले की आगे जाँच पड़ताल कर रही है। चला चला गर्दी कमी करा।